वेलकम टू जीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर 4 हो रहे थे और बच्चे सो रहे थे। कभी कभी मुझे भी नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ, और जब कभी नहीं आती तो मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ या आपके कमेंट्स वगैरह एडिट करके उनके रिप्लाई कर देती हूँ। तो आज मुझे दोनों काम नहीं करने थे तो मैं बोर हो रही थी, तो बस मैंने सोचा कि चलो शाम के काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होती जाती है। तो बस मैं इसीलिए सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी अपने काम समेटती जाऊँ ताकि मैं शाम की चाय के बाद बिल्कुल फ्री हो और रिलैक्स होकर बैठी रहूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। शायद सभी के साथ ही ऐसे होता है, मेरी अम्मी के साथ भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही शाम होती है तो बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। वैसे तो सारा दिन ही काम करते रहते हैं तो एक्टिव रहते हैं, बट शाम में पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत लेजीनेस आ जाती है। आई थिंक सभी को ऐसे होता होगा। और यहाँ पर जी मैंने ये वेजिटेबल्स नीचे रख दी थी क्योंकि ये मुझे देर से चाहिए थी, और यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। साथ में जी चिकन बॉयल हो रही है, और आप सबको तो पता है कि मैं चाइनीज़ राइस कैसे बनाती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ अपनी चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर की हुई है। अगर फिर भी किसी को जानना है कि मैं कैसे बनाती हूँ चाइनीज़ राइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता दिया करें, ताकि मैं आइंदा फ्यूचर में आपके साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो मैं उनका वेलकम करती हूँ, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे और अच्छे अच्छे आपको व्लॉग्स मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो बस जी यहाँ पर मेरा दूध बॉयल हो रहा था, साथ में चिकन भी बॉयल हो रही थी, और फिर मेरे माइंड में आया कि कहीं वेजिटेबल्स वगैरह कम ना पड़ जाए। थोड़े बहुत राइस ज़्यादा ही खाए जाते हैं इस टाइप के, पुलाव हो, बिरयानी हो या चाइनीज़ राइस हो, तो थोड़े तो वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में खाए जाते हैं। अगर प्लेन वाइट राइस बनाओ तो वो तो नॉर्मल एक अंदाज़ा बना हुआ होता है तो उसी हिसाब से ही रोज़ बनते हैं, बट ऐसी कोई अगर रेसिपी बीच में आ जाती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी होती है। तो बस उसी वजह से मेरे पास ये वेजिटेबल्स तो वैसे भी आई हुई थी तो मुझे कट करके फ्रीज करनी थी, तो मैंने सोचा कि अभी इसे कट कर लेती हूँ और हाफ में इसमें डाल दूँगी और जो बच जाएगी वो मैं फ्रीज कर लूँगी। अगर वैसे ही मैं इनको रख देती हूँ तो ये बिल्कुल भी मेरे काम की नहीं रहती, क्योंकि ये फ्रेश ही नहीं रहती, बिल्कुल ही ब्लैक पड़ जाती हैं और बस मुझे फिर फेंकनी पड़ती है। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन ये वेजिटेबल आ जाए तो उसी दिन पर ही मैं ये सारी कट करके फ्रीज कर दूँ ताकि काम में तो आ जाए, क्योंकि आजकल वेजिटेबल्स के रेट कोई इतने हाई कि बंदा गोल्ड ही ले ले। फॉर सपोज़ अगर हम एक वीक की वेजिटेबल मंगवाते हैं, बेसिक सी चीज़ें ही मंगवाते हैं, थोड़ा बहुत हरा मसाला मंगवा लेते हैं, एक दो वेजिटेबल्स मंगवा लेते हैं, तो उसी में ही हमारा 1800 या 2000 बिल तो आराम से ही बन जाता है। अगर 15 डेज़ की मंगवा लें तो 3500 तो इजीली बिल बन जाता है। तो इतनी ज़्यादा महंगी आती है तो थोड़ी बहुत एफर्ट करके इनकी लाइफ भी सेव कर दें और पैसा भी सेव कर लें। अगर वैसे ही हम ऐसे ही रख दें और उनको ना देखें, जो जिसकी केयर है वो ना की जाए, तो ये बिल्कुल ही गड़ सड़ जाती हैं, एक या दो दिन में, मुश्किल से 3 दिन में ही ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, तो हमारे काम की नहीं रहती और पैसा अलग से बर्बाद हो जाता है। तो इस वजह से आजकल की इतनी महंगाई के दौर में अगर थोड़े बहुत हम एफर्ट करके अपनी अगर बचत कर सकते हैं तो ऐसे करने में कोई भी हर्ज नहीं है। और यहाँ पर जी मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली थी, कैरेट कैप्सिकम मेरा ऑलरेडी कट था, और यहाँ पर जी मैंने बंद गोभी वगैरह भी कट कर ली थी। और जी आप ऐसे नहीं समझेगी कि मैं ऐसे ही डायरेक्ट काउंटर पर कट कर रही थी तो ये साफ साफ होगा भी या नहीं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक काउंटर की केयर बहुत ही कोई मुश्किल होती है, थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ गिर जाती है तो वो इतनी कोई बुरी लगती है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो 1000 दफ़ा मैं इनको स्पंज लगाती हूँ, ऊपर से टॉवल पे लगाती रहती हूँ, तो 1000 दफ़ा मैं इनको ड्राई करती हूँ, 1000 दफ़ा इनको मैं साफ़ करती हूँ, तो ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होती है। इसी वजह से यहीं पर मैं कट कर लेती हूँ वेजीज़ वगैरह। और यहाँ पर जी मैं साथ में इनको फ्राई करने के लिए रख दिया था पैन में, और साथ में जी मेरी चिकन भी तकरीबन बॉयल हो गई थी। और यहाँ पर जी मैंने इसमें ब्लैक पेपर वगैरह ऐड कर दूँगी, जो जो भी स्पाइसेस मैं डालती हूँ वही सेम जाएंगे। और आप सब जी सुनाएं कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है आपकी जिंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ।
होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे, अपने घरों में खुशी और खुर्रम, आमीन। और जी यहाँ पर वॉइस ओवर करते करते मुझे अपने चाइल्डहुड का एक किस्सा याद आ गया, तो सोचा कि आपके साथ अभी अगर कर लूँ। तो जी बात कुछ जिन दिनों की है, जब मैं टीन एज में थी, तो तब जब न्यू स्टार्टअप होता है किसी भी गर्ल का घर के कामों में, तो उसे स्टार्ट में बर्तन दिए जाते हैं ताकि वो यूज़ टू हो किचन में, थोड़ा इन हो, काम सीखे कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। तो सबसे जो इजी काम होता है जिससे ही गर्ल्स को काम में इंटर करवाया जाता है, तो सबसे पहले उनको बर्तन दिए जाते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही बर्तन मिले थे उन दिनों में, तो तब मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करती थी। जब मैं किचन में जाती थी तो मैं बर्तन वगैरह वॉश करती थी, तो उन दिनों में ना मसाला टीवी बहुत ही ज़्यादा पीक पे चलता था, उनकी रेसिपीज, उनके शोज़, उनके जो फेस्टिवल्स वगैरह थे, तो बहुत ही कोई ज़्यादा उन दिनों वो पीक पे जा रहा था, तो उसी को ही बस मैं फॉलो करती थी। जैसे उसमें आती थी अंबर, आती थी वो अच्छी होस्टिंग करती थी, किरण आती थी आपा जुबेदा के साथ, तो वो भी अच्छी होस्टिंग कर लेती थी, तो मैं उन्हीं को ही फॉलो करके सेम उन्हीं की तरीके से कंपेयरिंग करती जाती थी। किचन में जाती थी, बर्तन धोती थी, तो मैं ऐसे ही कहती थी कि अभी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, अगर आप इनको ऐसे वॉश करेंगे तो अच्छे से आपके बर्तन वॉश हो जाएंगे, तो आप ऐसे कर लें वैसे कर लें। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तभी मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो कट्स थे मुझ में काफ़ी टाइम से थे, अब जाके ये बाहर निकले हैं, पहले मेरे अंदर ही मौजूद थे बट अब ये सबके सामने आ रहे हैं। तो सही बात है, जो बच्चे बड़े होकर बनते हैं तो उनके अंदर स्टार्ट से ही वो गट्स ज़रूर मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं, बस वो निकलने में कई टाइम का इंतज़ार करते हैं। तो यही था मेरा किस्सा, बस आज अचानक से मेरे माइंड में आ गया था वॉइस ओवर करते करते कि वाकई में ये क्वालिटी मेरे अंदर काफ़ी पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत ही कोई ज़्यादा शौक है, तो बस मैं बोलती हूँ और आप सब सुनते हैं तो मुझे बहुत ही कोई ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस मैडम के तो पेपर ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहे थे, और एक हम थे जो तीन पेपर देके बिल्कुल ही आज़ाद रिलैक्स फील करते थे, और आजकल के बच्चों की तो भाई बात ही कुछ और है, साथ साथ पेपर हो रहे हैं पीजी क्लास में, तो इनकी तो लेवल ही कुछ और है, हर चीज़ का पेपर है, जनरल नॉलेज का, आर्ट एंड क्राफ्ट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं आजकल के बच्चों के लिए। तो बस तो सभी बच्चों का यही हाल है आजकल, बहुत ही ज़्यादा कोई बर्डन में चले गए हैं। और जी बातों ही बातों में यहाँ पर मेरे राइस हो गए थे रेडी, और जी बस डिनर वगैरह से फ्री होके मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि आज इनकी ऑयलिंग कर दूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने नहीं की थी। तो वैसे भी विंटर्स में हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हेयर फॉल डैंड्रफ का बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आज इसकी चंपी कर लेती हूँ अभी। तो ये मैडम कह रही थी कि मैं आपको खुद ही ऑयल डाल के देती हूँ, और यहाँ पर जी इसने ऑयल निकाला तो मैंने इसकी चंपी कर ली अच्छे से और इसकी चुटिया बना ली। सुबह में मैं इसको शैम्पू करवा के और बाद में स्कूल भेजूँगी। और यहाँ पर जी मैं छोटी वाली मैडम को भी कह रही थी कि आप भी करवा लो, तो ये तो बिल्कुल ही रेडी थी करवाने के लिए, और दोनों ही ट्वेंट से हर चीज़ साथ साथ ही करती हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है दोनों का काम साथ हो जाता है। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया, अगर थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।